तो भैया जी, होम डेकोरेशन लाइट की एक और कमाल की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए 12 फुट बाई 40 फुट का पूरा सेटअप यहां पर लेकर आ चुका हूं। और हाँ, हमारी हमेशा से कोशिश रहती है कि आपका जो घर है वो कुछ इस तरीके से डेकोरेट हो जो कि बहुत ही ज़्यादा यूनिक और बहुत ही ज़्यादा अलग लगे। तो इसी बीच हमने ये पिक्सल तोरण सेटअप बनवाया है। तो ये जो है कस्टमर का डिमांडेड सेटअप है, ठीक है। अगर आपको भी इस तरीके का कोई सेटअप बनवाना है या फिर आप सेटअप बनाना चाहते हो तो इसके लिए सामान आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे सेटअप आपको बना बनाया मिलेगा, वो सब मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बता दिया है। तो हेलो गाइज, मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हो क्रिएटिव जीएस। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग काफी ज्यादा बढ़िया होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए यहाँ पर ले गया हूँ बड़ी मनाई तोरण। तो देखो, ये तोरण जो है पूरी हमने बना के रख रखी है आप लोगों के लिए पहले ही। हर वीडियो के अंदर हम आपको बताते हैं तोरण कैसे बनाई जाएगी, लेकिन आज मैं पहले ही लेके आया हूँ आपके लिए तोरण की भैया ऐसे तोरण बनाई जाती है और ऐसे बना के हम इसको पैक वगैरह करके भेज देते हैं, ठीक है। तो ये जो तोरण है ये कस्टमाइज साइज की है, मतलब किसी कस्टमर को ये साइज चाहिए था, उनको जो है ऊपर से नीचे तक यानी कि लटकन जो है वो 12 फीट चाहिए थी और चौड़ाई जो थी उनके मकान की वो थी पूरी 40 फीट। तो इसलिए हमने इसको बनाया। तो इसकी तोरण की जो हाइट है वो ऊपर से नीचे है 12 फीट और चौड़ाई है 40 फीट। तो ये वही साइज की तोरण है। इस तोरण के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ पहली बार ये कंट्रोलर, जिस कंट्रोलर का नाम है T1000S कंट्रोलर, जो कि एक चाइनीज कंट्रोलर है, काफी ज्यादा पॉपुलर कंट्रोलर है। जितने भी लोग सबसे पहले पिक्सल की मतलब दुनिया में आते हैं तो सबसे पहले वो इसी को यूज करते हैं, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा कंट्रोलर है जो कि हर जगह अवेलेबल हो जाता है, बाकी तो थोड़ा मुश्किल होता है हर जगह अवेलेबल होना। उसी के साथ देखो, इस पूरे सेटअप में 1200 एलईडी यूज होंगी। 1200 एलईडी को चलाने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ ये 5 वोल्ट 70 एम्पीयर का पावर सप्लाई, जो कि वी एनर्जी का पावर सप्लाई है, ठीक है। अब पूरे सेटअप में मैंने आपको बताया 1200 एलईडी है और ये दो पावर सप्लाई में बीच बीच में लगाने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो, पूरे तोरण को जो है हमने 2.5 mm का कॉपर वायर से बनाया है, उसी के साथ 0.75 mm का यहाँ पर डाटा वायर है। सारा सेटअप जो है वो जेड टाइप कनेक्शन में है। अब ये जो पूरा सेटअप है भैया, ये तो किसी कस्टमर ने हमें कह के बनवाया है। अब उसी के साथ अगर आपको भी इसी तरीके का या इससे छोटा कैसा भी सेटअप बनवाना हो तो भैया अपने घर की दीवार को ऊपर से नीचे तक कितनी है वो नाप के बताओ, और आपके घर की दीवार की यानी कि लेफ्ट टू राइट चौड़ाई कितनी है वो सब आप हमें बताओ, हम आपके लिए भी बिल्कुल इसी तरीके का सेटअप जो है वो तैयार कर देंगे, ठीक है। कोई कोई सेटअप जो है वो छोटा होता है जिसमें इस तरीके का मेमोरी कार्ड नहीं लगता, उसमें सिर्फ आईसी वाले कंट्रोल लगते हैं, और कोई कोई सेटअप इतना छोटा होता है उसमें इतने बड़े पावर सप्लाई नहीं लगते, उसमें छोटे वाले पावर सप्लाई लगते हैं। तो उसी के साथ जैसा आपका सेटअप रहेगा वैसे ही उसके प्राइस रहेंगे। तो अगर आपको भी इसी तरीके का कोई सेटअप बनवाना है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा जिसपे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल क्या कीजिए, आप इस वाले सेटअप के जो है डिजाइन कैसे है वो सब इंजॉय कर लीजिए। तो बाकी कई चीजों के साथ हमारा यहाँ पर पूरा सेटअप लग चुका है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। ये पूरा सेटअप जो भैया हमने रस्सी पे बनाया था जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, और यहाँ पर लगा हुआ है हमारा कंट्रोलर जो कि अप साइड में राइट साइड में लगा हुआ है, ठीक है। जब आप सामने से देखेंगे तो लेफ्ट साइड में कंट्रोलर लगा हुआ है। कंट्रोलर का नाम है T1000S जो कि एक चाइनीज कंट्रोलर है। उसी के साथ देखो, रस्सी में हम क्यों बनाते हैं मैं आपको बार बार बताता हूँ। देखो, इसको खींचना टाइट करना बहुत आसान होता है रस्सी में, कहीं ये जो है अलसती भी नहीं है, तो इसलिए हम जो है पूरे सेटअप को जो है रस्सी पर बनाते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, हर एक एलईडी जो है फिलहाल अभी ग्लो कर रही है क्योंकि हमने पूरे सेटअप को जो है पावर दे रखी है दो पावर सप्लाई से जो कि 5 वोल्ट 70 एम्पीयर की है। देखो, इसमें भी लाइट आई हुई है, और वहीं पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो यहां पर भी प्रॉपर लाइट इसको दी गई है। ये रही हमारी 5 वोल्ट 70 एम्पीयर की पावर सप्लाई, ठीक है गाइस। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, पूरा सेटअप जो है भैया रेडी है और चालू भी है एकदम। तो चलिए फटाफट चलते हैं नीचे और देखते हैं इसकी डिजाइनिंग किस तरीके की है।